हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशु स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज हम जो है खेल कूद के बारे में चर्चा करेंगे। खेल कूद से जितने सारे सवाल बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्ज़ाम में, SSC या फिर रेलवे या फिर अदर एग्ज़ाम जितना भी देते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को देखिएगा ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो एथलेटिक्स हाल ही में जो है बोस्टन मैराथन हुआ है 2023 में, ध्यान रखिएगा, बोस्टन मैराथन हुआ है, ये हाल ही 17 अप्रैल को हुआ है, 17 अप्रैल को हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये हुआ था, कहाँ हुआ था? मैसाचुसेट्स में, बोस्टन में हुआ था, ये ध्यान रखिए, इसलिए बोस्टन मैराथन इसका नाम रखिए। कब हुआ था फ्रेंड? 17 अप्रैल 2023 को, 127वीं था, ध्यान रखिएगा, 127वीं। बोस्टन मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में जो कीनिया के जो है ना, कीनिया के जो इवान शेवेट, ये है कीनिया के, और इसी में जो है महिला वर्ग के कीनिया के ही जो हेलेन ओबीरी थे, उन्होंने विजेता रहे, ध्यान रखिएगा। बोस्टन में पुरुष में कौन थे? इवान शेवेट जो कि ये हैं, और महिला में कौन है? ये भी कीनिया की है, कीनिया की है, ध्यान रखिएगा, दोनों कीनिया की है, ये भी कीनिया की है, और ये हेलेन ओबीरी ये महिला वर्ग के विजेता हो गए और ये पुरुष वर्ग के विजेता हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, फुटबॉल के बारे में, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल ध्यान रखिए, हेडलाइन क्या है? राउंड ग्लास पंजाब जो है वो आई लीग के 16वें संस्करण के विजेता बने, यहाँ देखिए अभी अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए 2022-23 के आई लीग के जो 16वां संस्करण हुआ था, ध्यान रखिएगा, इस बार जो आई लीग हुआ था वो केमा संस्करण था, 16वां संस्करण, जो कि 12 क्लबों की टीमों के बीच कुल 132 मैच खेला गया, कितना टीम था? 12 टीम, जो कि 12 नवंबर से 2022 से 12 मार्च 2023 के दौरान खेला गया। प्रत्येक टीम ने 22-22 मैच इस लीग में खेले, और 12 मार्च 2023 को जब समापन हुआ था उस टाइम जो राउंड ग्लास के पंजाब के अंक था वो सबसे ज़्यादा था 52, और दूसरे स्थान पर जो श्रीनिधि डेक्कन फुटबॉल क्लब था इनका जो अंक था 42 था, जिससे क्या हुआ, जो राउंड ग्लास पंजाब था इसे विजेता घोषित कर दिया, इस लीग का क्या कर दिया, विजेता घोषित कर दिया, कौन जीत गए? पंजाब, ध्यान रखिए, ये विजेता हो गए क्योंकि इनका अंक सर्वाधिक था 52 और इनके 42 था। चलिए फुटबॉल से एक और टूर्नामेंट हुआ है, देखिए पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी है, ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी हुआ है। देखिए पुरुषों के सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की संतोष ट्रॉफी 2022-23 में 36 टीमों के बीच खेला गया, ये मैच फरवरी में 2023 में जो कि भारत के विभिन्न शहरों में खेला गया, ध्यान रखिएगा, और इसका जो फाइनल था और तीसरे स्थान के लिए जो टीम क्वालिफाई करने वाली थी, जो मैच हुआ था तीसरे टीम के लिए, वो भी सऊदी अरब में ही हुआ था, और सेमीफाइनल भी सऊदी अरब में हुआ था, और रियाद में जो है, रियाद सऊदी अरब के रियाद में, ध्यान रखिएगा, दोनों सेमीफाइनल के पश्चात फाइनल में जो स्थान बनाने वाली जो दो टीम थी वो मेघालय थी और कर्नाटक, यही दोनों फाइनल में पहुंची, ध्यान रखना। और फाइनल में क्या हुआ, मेघालय जो है, मेघालय को इस हार का सामना करना पड़ा किससे, कर्नाटक से, कितना सारा, 3-2 से हरा कर कर्नाटक ने 2022-23 के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत गया, कौन जीता फ्रेंड्स? कर्नाटक जीता, किसे हराया? मेघालय को, ध्यान रखिए। कर्नाटक जो है इस 5वीं बार ये खिताब जीतने में सफलता प्राप्त हुई, 5 बार टोटल जीता कर्नाटक, इम्पोर्टेंट हो गया इससे सवाल, और कर्नाटक के रॉबिन यादव को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसका जो है पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में बता देंगे,
आज जितना पार्ट हो गए हम अच्छे से बढ़ा देंगे। अगले वीडियो हम बैडमिंटन के बारे में चर्चा करेंगे, और बैडमिंटन हो गया आपका मियामी ओपन हो गया, एशियाई बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम बना देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सब हम डाल देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।